हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी परवल आलू की कसर। तब चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 8-10 कलियाँ लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे ली हूँ 1 प्याज। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेगी। चलिए तब ग्राइंडिंग कर लेते हैं मसाला को, सारे मसाला को। अदरक को थोड़ा थोड़ा बारीक काट के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, और प्याज को भी थोड़ा सा काट के डाल लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सारे मसाला को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेंगे। देखिए हम लोग का मसाला पीस के रेडी हो गया है। इस मसाला को एक साइड में रख देते हैं। तो चलिए हम लोग गैस जला लेते हैं और कढ़ाई लेंगे एक ठो। देखिए कढ़ाई हम लोग चढ़ा दिए है गैस के ऊपर में। यहाँ पे देखिए मैं परवल ली हूँ, जो गोटा गोटा परवल होता है उसको मैं 2 टुकड़ा में काटी हूँ और बीच बीच से उसका छिलका निकाल दी हूँ। और ये देखिए आलू, आलू को मैं क्यूब साइड में काटी हूँ। मैं जब भी परवल और आलू के कसा बनाती हूँ ऐसे ही परवल को काटती हूँ। और चलिए हम लोग का कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डालते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच करीब तेल ले रही हूँ, सरसों का तेल। उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम लोग का तेल गरम हो गया है। अभी परवल आलू जो काट के रखे थे उसको हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हम बस 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे। इसी टाइम हम लोग पूरा जितना सब्ज़ी में आपको नमक चाहिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बाद में हम लोग नमक नहीं डालेंगे, मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा देर ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए हम लोग का 10 मिनट हो गया है। हम लोग चेक कर लेते हैं आलू पका है कि नहीं पका है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए हम लोग का आलू पक गया है। इसको एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। उसी कढ़ाई में ही हम लोग सब्ज़ी बनाएंगे। मैं कढ़ाई नहीं चेंज कर रही हूँ, उसी कढ़ाई में ही मैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही तेल बचा है तो और 1 चम्मच में तेल ले रही हूँ यहाँ पे। तेल हम लोग का गरम हो गया है। इस पर मैं डालूँगी 1 तेज़पत्ता, उसको 2 टुकड़ा करके तेल में डालूँगी। उसके बाद जो मसाला ग्राइंडिंग करके रखे थे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, उसको इसमें डाल देंगे। ये ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उसको अच्छा से धो दी हूँ ग्राइंडिंग जार को, और उसके बाद उसी पानी को इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए थोड़ा सा मसाला लगा था उस ग्राइंडिंग जार में, तो इसको सारे मसाला को अच्छा से मिला लेंगे। इसमें देखिए मैं 1 चम्मच मिर्चा का पाउडर दे रही हूँ। आप लोग को जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मिर्चा डाल सकते हैं, ज़्यादा कम आपके हिसाब से। यहाँ पे 1 चम्मच में जीरा का पाउडर डाली हूँ। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे।
इसको अच्छा से मिला लेंगे, अच्छा से कस लेंगे। अच्छा तरीके से पक जाना चाहिए मसाला, नहीं तो उसमें कच्चा कच्चा स्मेल रहता है, इसीलिए अच्छा से उसको मसाला को कस लेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच में। अगर आपको ऐसे नए नए रेसिपी देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ये देखिए हम लोग का मसाला रेडी हो गया है, अच्छा से कस के रेडी हो गया है। अभी जो हम फ्राई करके रखे थे परवल और आलू, उसको इसमें मिला लेंगे मसाला के साथ, अच्छा से मिला लेंगे। मसाला के साथ अच्छा से देखिए हम मिला रहे हैं 2 मिनट के लिए, ऐसे अच्छा से मिलाएंगे। देखिए हम लोग का 2 मिनट हो गया है और थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1.5 कप करीब पानी ले रही हूँ, ज़्यादा झोल नहीं बनाएंगे, ज़्यादा झोल बनाएंगे तो परवल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ले रही हूँ और पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के थोड़ा देर के लिए बॉईल होंगे छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ा सा बॉईल आ गया है सब्ज़ी में, हम लोग का परवल आलू की सब्ज़ी तैयार हो गया है। आपको ये परवल और आलू की सब्ज़ी कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप लोग कैसे परवल आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वो भी मुझे बताइए प्लीज़। आप एक बार घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा।